गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का वीडियो है अगेन एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक। आप लोगों ने मेरा इंस्पायर्ड मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक और मैं इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट करूँ। सो आज का वीडियो है जन्नत जुबैर का इंस्पायर्ड मेकअप लुक। इससे पहले भी मैंने कई इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट किए हैं, अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो वीडियो अगर पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने स्किन को प्रेप करने से। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अर्ब्स गुडनेस का रोज़ टोनर। ये एक बहुत ही अच्छा टोनर है, तो इसे अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लिया है। एक अच्छे बेस मेकअप के लिए अगर आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं ना, तो मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है। तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एक मॉइस्चराइजर क्रीम। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का मॉइस्चराइजर क्रीम। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है इसका। तो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे फेस सीरम। ये है गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम। इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, इससे हमारी स्किन भी प्रेप हो जाती है एंड एक अलग सा ग्लो आता है फेस पे। तो इसे भी अच्छे से हम अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। एंड नेक्स्ट अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लक्मे का फाउंडेशन। बहुत ही लाइट कवरेज का फाउंडेशन है, बट ठीक है, डेली बेसिस पे आप ऐसा फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कवरेज प्रेफर नहीं करते हैं तो आप ऐसा फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से अपने फेस पे डॉटेड फॉर्म में लगाने के बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो फाउंडेशन डन हो चुका है। अब हम अपने हायर पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक कंसीलर। ये एक स्टिक कंसीलर है, NY Bay का स्टिक कंसीलर। इसे अच्छे से अपने आईलिड्स को भी प्राइम करने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो अब बारी है कॉम्पैक्ट की, और कॉम्पैक्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का कॉम्पैक्ट कंसीलर। जो है वो क्रीज ना हो उसके लिए कॉम्पैक्ट से सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसे अच्छे से हम सेट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को कॉम कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्राउन आई पेंसिल से अपने आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ। यहाँ पे जन्नत जुबैर की जो आईब्रोज़ है वो थोड़ी सी ब्लैक में है, तो बाद में मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर लूँगी। तो अब हम अपने आई मेकअप पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लाइट ब्राउन शेड से अपने क्रीज़ को सेट कर लिया है। क्रीज़ एरिया पर मैं यहाँ पर एक लाइट ब्राउन ले करके ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारा जो खेल है आई मेकअप का वो काजल से ही हुआ है, यानी कि जन्नत जुबैर की जो आईज़ हैं वो स्मोकी आईज़ की गई हैं, तो मैं यहाँ पे काजल की हेल्प से स्मोकी आईज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से एक मोटा काजल अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर लेंगे हम, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्मजिंग ब्रश की हेल्प से इसे स्मज कर लूँगी अच्छे से पूरी आईलिड्स पे। तो अब उसी काजल की हेल्प से हम अपने वाटर लाइन पे भी काजल अप्लाई कर लेंगे एंड अपने लोअर लैश लाइन पे भी काजल अप्लाई करेंगे, और उसी ब्रश की हेल्प से हम इसे भी स्मज कर लेंगे, क्योंकि स्मोकी आईज़ में स्मजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसे अच्छे से हम स्मज कर लेंगे। एंड अब बारी है मस्कारा की। मस्कारा के बिना तो कोई भी मेकअप अधूरा है, तो अच्छे से अपने आई लैसेस पर हम यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे एक पिंक शेड लिया हुआ है, क्योंकि इमेज में जो है पिंक शेड ही नज़र आ रहा था, तो मैं एक पिंक शेड से अपने चिक्स पे ब्लश को अप्लाई कर लूँगी। एंड थोड़ा सा हाइलाइटर भी अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा हाइलाइट तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ कर ले रही हूँ। तो मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, यानी कि लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेटन वाइल्ड की कैट सूट लिपस्टिक। यहाँ पे जन्नत की जो लिपस्टिक का शेड था वो थोड़ा सा ऑरेंजी न्यूड था, तो मैंने उसी बेस पे थोड़ा सा मैच करके अप्लाई किया हुआ है।
एंड दैट्स इट, ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। सो गाइज, आई होप यू एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।